और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। धान खरीदी की मियाद नहीं बढ़ाने के प्रदेश सरकार के ऐलान का बीजेपी कड़ा विरोध कर रही है और आज भाजपा किसान मोर्चा इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने धान खरीदी की अवधि 15 फरवरी की है, जिसके बाद गिनती के दिन बचे हैं। किसानों का पूरा धान खरीदने का वादा करने वाली प्रदेश सरकार लाखों मीट्रिक टन धान की खरीदी कैसे करेगी? राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाने की मांग की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आशीष तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार जिस तरह से मांग की जा रही है तारीखें बढ़ाई जाएं और अब ज्ञापन भी सौंपा जाएगा, क्या लगता है, क्या रुख देखा जाएगा सरकार की ओर से? देखिए छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मुद्दा वैसे ही बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है और चूंकि अब जिस तरीके से 15 फरवरी तक धान की खरीदी की तारीख भूपेश सरकार ने तय की है और खाद्य मंत्री मजीद भगत ने यह सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है कि धान की खरीदी की तारीख अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, तो ऐसे में एक सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि ऐसे बड़ी तादाद में जो किसान है जिन्होंने अपना धान नहीं बेचा है, टोकन की दिक्कतों की वजह से सोसाइटी तक वो धान नहीं ला पाए हैं, ऐसे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसे बीजेपी एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बनाने की कवायद करती नजर आ रही है। बीजेपी ने आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का ऐलान किया है, एकजुट होंगे बीजेपी किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारी, किसानों से समर्थन मांगा गया है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तैयार किया गया है जो कलेक्टर को सौंपा जाएगा सभी जिला मुख्यालयों में और ये मांग की जाएगी कि धान खरीदी की तारीख की जो मियाद 15 फरवरी तक तय की गई है उसे आगे बढ़ा दी जाए। मांग एक ही है लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, यानी सड़क की लड़ाई बीजेपी धान के मुद्दे पर लड़ रही है और बीजेपी ने ये भी ऐलान किया है कि जो 24 फरवरी से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है विधानसभा के, उसमें भी सदन के भीतर भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करेगी और सरकार को सड़क पर तो आंदोलन कर ही रही है बीजेपी, सदन में भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। आशीष, मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ रुखा है क्योंकि हम देखें उनके मंत्री जो हैं अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का कहना है कि देखा जाएगा, किसी का कहना है निश्चय ही तारीख बढ़ाई जाएगी और किसी का कहना है कि तारीखें तो नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो अभी इस पर कुछ टिप्पणी आई है? देखिए विषय पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की टिप्पणी तो नहीं आई है लेकिन जरूर खाद्य मंत्री ने जो बयान दिया था कि जो 15 फरवरी की मियाद है उससे आगे धान खरीदी नहीं की जाएगी, लेकिन सूबे के जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं डीएच सिंहदेव, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था मीडिया में कि किसानों के लिए संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है और सरकार को धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर विचार करना चाहिए। तो मंत्रियों के बीच चूंकि धान खरीदी को लेकर मतभेद के हालात बने हैं तो ऐसे में लगता नहीं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दर्ज कराना भी चाहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष।